हे गाइस, वेलकम बैक ब्लॉगिंग विद पंजेश। आई होप आप सभी ठीक होंगे। रात को हम लोग जब हाजीपुर से हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे भाई साहब। 7:30 सो गए रात को, मैं भी सो गया। मैं दबाकर सोया, अभी लग भी रहा होगा कि मैं सोकर उठाऊं। पर जब सोकर उठा तो एक बड़ी अच्छी चीज़ एक रील दिखी मुझे। रील पता है, रील में था बहुत सारे कबूतर बैठे हुए थे, दाना खा रहे थे और सब पे ब्लू टिक लगा हुआ था भाई। एक पागल इंसान ट्विटर, सबसे प्रोफेशनल सोशल मीडिया जिसे कहा माना जाता है, ट्विटर जो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल सोशल मीडिया है, उसका ब्लू टिक 900 में बेचना शुरू कर देता है भाई। अब चलो इंस्टाग्राम का 600। हाँ, अब उसको देखकर अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी यही होड़ चली हुई है सबको। 700 में ना, 699 में, 699 में ब्लू टिक चाहिए। अब वो जब मैंने वो इंस्टाग्राम पे रील देखा, मैं सच में मैं हिल गया। पता है क्यों? मेरे जैसे कुछ लोग हैं, इनके जैसे भी ले लो, मैं अकेला नहीं हूँ, 2-4 हज़ार फॉलोअर्स हो जाएंगे तो हम हवा में आ जाते हैं थोड़ी। अब भाई जिनके पास ब्लू टिक आ जाएंगे वो कहाँ रहेंगे फिर? आसमान पे। सच में मैं भी यही सोचा था। फिर वो तो फिर सीधे मुँह बात ही नहीं करेंगे भाई। अभी कुछ लोग हैं, अगर हम गलती से स्टोरी मेंशन कर दें तो ये मेंशन बैक नहीं देते। अब जिनका ब्लू टिक आ गया वो क्या करेंगे भाई? इग्नोर करेंगे, तो हम लोग का मैसेज मतलब सीन भी नहीं करेंगे। हाँ, अब वो सीन भी करते थे, अब सीन भी नहीं करेंगे। वही अब मेंशन करते थे तो बेचारे सीन करके छोड़ देते थे, पहले मेंशन बैक नहीं करते थे। अब तो हम मेंशन करेंगे वो बोलेंगे साला फालतू है, ये लोग छोटे लोग हैं, कहाँ वो सीन करना भी जरूरी नहीं समझेंगे भाई। क्या हवा चल रही है ये? कितना लोग 699 का इसीलिए ब्लू टिक करवा रहे हैं क्योंकि गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ये भी बहुत बड़ी भाई बहुत बड़ी आंधी चली हुई है भाई, कसम से। जब मैंने वो रील देखा तो मैं 1.5 घंटे तक तो यही सोचता रहा कि फिर अब क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। मतलब इंस्टाग्राम इकलौता ऐसा सोशल मीडिया है जिसपे खुद को शो किया जाता है, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, मैं ये पहनता हूँ, मैं ये यहाँ घूमने जाता हूँ, ये खाता हूँ। इंस्टाग्राम स्नैपचैट इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो भाई जब जहाँ दिखाने वाली चीज़ है, खुद को शो ऑफ ही करना है, वहाँ ब्लू टिक लेने से तो कोई पीछे नहीं हटने वाला। और ब्लू टिक ऐसे ही अगर हर कबूतर के सिर पे लग गए फिर हमारा क्या होगा कालिया भाई साहब। ब्लू टिक लेने वाले हैं 700 में, 699 में पूरा, और उसके बाद मैं मेंशन करूंगा, ये बोलेंगे चल हट। मैं क्यों सीन करूं भाई, छोटे लोगों को है ना। ये छपरी वाला ये थी हो गया है, इसके दो तीन ब्लू टिक छपरी वाला, मतलब जितना छपरी है सबना वही लेता है। तो मेरे सर्कल का तो पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया, पर इनके दो तीन सर्कल में 2-3 लोगों ने तो ब्लू टिक ले लिया है। जिसके घर पे मतलब मंथ में 700 का राशन भी नहीं आता। अच्छा, अब ब्लू टिक ले लिए है सब के लिए। जानने वाले गांव में 4 लोग नहीं है, ठीक से 4 लोग गांव में भी नहीं जानते हैं। इंस्टाग्राम खुलेगा तो ब्लू टिक है। अच्छा, क्या लगता है ब्लू टिक बुरा है तो? मतलब बुरा बेचना नहीं चाहिए था तो फिर भाई जो इतना मेहनत कर रहा है लोग, पॉपुलरिटी मतलब बना रहा है, जो रोज शो कर रहा है, रोज रील बना रहा है, मिलियन दो मिलियन लेके बैठा है, तो फिर उस सब का क्या होगा? ये जब 100 को फॉलोअर वाला ब्लू टिक ले रहा है तो फिर उस सब का क्या होगा? अब बताओ, अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन तो बुरा मान जाएंगे, क्या हमने 20 साल और सारी जिंदगी कमा कर ये कमाया और इनको सारा 700 में मिल जा रहा है। बताओ यार, इज्जत ही नहीं रही ब्लू टिक की यार। इज्जत उनके उनके साथ साथ बाकी सब लोगों की कम होगी। बताओ मोदी जी क्या सोचेंगे यार, कुछ तो सोचो। योगी जी क्या सोचेंगे कि साला हम कहाँ राज चला रहे हैं, कहाँ देश चला रहे हैं और ये लोग 700 में खरीद ले रहे हैं, हमें हमारे लेवल पे आकर बैठ गए हैं। ये बहुत बुरा हुआ है ना, गलत हुआ है ना ये। खैर, मेरे हिसाब से तो गलत हुआ है, पर आप लोगों को क्या लगता है आप भी बता दो कमेंट में।